और आप देख सकते हो यहाँ से पिलर इस तरफ किस प्रकार से कुछ रेडी हो चुके हैं। पिलर की हाइट भी देख सकते हो आप, और वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से जहाँ पे गटर लॉन्चिंग मशीन चल रही थी वहाँ से आप देख सकते हो। और इस तरफ सारे के सारे पिलर वही सेम हाइट में हैं और उतने उतने। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अपडेट गाइस। स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए अपडेट में और एक और नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि पिलर कंप्लीटेड अहमदाबाद पिलर कितना सारा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे पिलर वर्क बहुत ही फास्ट चालू है, गटर लॉन्चिंग भी चालू थी और आप लोगों को बताया हूँ अगली वीडियो में। अपन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पिलर कंप्लीटेड कितना सारा पिलर कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में ये बात होने वाली। और अहमदाबाद वर्क तो आप सबको समझ में आ रहा है कितना सारा चालू है, और अहमदाबाद का वर्क सबसे हार्ड वर्क होने वाला, क्योंकि यहाँ के एरिए में बिल्कुल बुलेट ट्रेन जा रही, घनी आबादी वाले क्षेत्र में बुलेट ट्रेन जा रही, तो यहाँ का वर्क कैसा चल रहा है तो मैं बताने वाला आप लोगों को। पिलर कंप्लीटेड अपडेट, कैप के साथ कितने सारे पिलर रेडी हो चुके हैं और आगे कितने सारे वर्क हो रहे हैं, तो इस पिलर बात होगी, इस मुद्दे बात होगी बुलेट ट्रेन कंप्लीट पिलर अपडेट में। तो गाइस इससे पहले कि आप वीडियो देखना स्टार्ट करें, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो पूरा देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर गाइस आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। चलो देखना स्टार्ट करते हैं पिलर कंप्लीटेड अपडेट अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन का। चलो गाइस चलते हैं पीछे, क्योंकि आज का अपडेट बहुत ही खास अपडेट। गाइस आप लोगों को पहले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये वाला पिलर पूरा रेडी हो चुका है। और ऐसे कितने सारे पिलर हो गए यहाँ के अहमदाबाद के साइड में जो रेडी हो चुके हैं, पूरे के पूरे जो पिलर हैं वो रेडी हो चुके हैं, कुछ मतलब बाकी नहीं पूरे पिलरों में। और आप देख सकते हो यहाँ से पिलर इस तरफ किस प्रकार से कुछ रेडी हो चुके हैं, पिलर की हाइट भी देख सकते हो आप और पिलर कंप्लीट वर्क भी देख रहे हो। बीच बगल में एक नया कैप बनाया जा रहा है, जबकि इस पिलर पर कैप हो चुका है दूसरे पिलर के लिए, शायद यहाँ पर कैप बनाया जा रहा है क्योंकि आगे उसका जगह ना हो, इसलिए यहाँ पर कैप बनाया जा रहा है उस वाले पिलर का। तो और आगे चलेंगे, अभी बहुत सारे मतलब कंस्ट्रक्शन इतना सारा हो चुका है कि दिखाते दिखाते मतलब रोज़ दिखाओ, हर समय दिखाओ, घंटे पे दिखाओ, तो कंस्ट्रक्शन आपको नया ही मिलेगा यहाँ पे आके वर्क हमेशा। आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से जहाँ पे गटर लॉन्चिंग मशीन चल रही थी वहाँ से आप देख सकते हो। और इस तरफ सारे के सारे पिलर वही सेम हाइट में हैं और उतने उतने मोटे उतने बड़े। और इधर आप यहाँ पर यहाँ तक देख सकते हो, लगभग एक किलोमीटर का वर्क पिलर कंप्लीटेड वाला हो चुका है। एक किलोमीटर में सारे के सारे जो पिलर हैं वो लॉन्च जो पिलर हैं वो कैप के साथ रेडी हो चुके हैं। जो ये देखो इस वाले पिलर पे वर्क चालू है, पर इसका कैप हो गया, इसका लोखन हटा लेना है, खाली खोल लेना है। आगे वाले पिलर भी कैप हो गया, खाली लोखन उसका हटा लेना है, और बाकी सारे तमाम सारे वर्क चालू ही हैं। इस तरफ इनका कास्टिंग यार्ड पड़ जा रहा है, ये इनका कास्टिंग यार्ड है, इस तरफ छोटा मोटा जो कास्टिंग यार्ड है यहाँ पर छोटे मोटे जो पिलर के ऊपर रखे जाते हैं वो सब यहाँ बनाए जाते हैं इनके, इस तरफ पूरे में ये सब है। और पूरा इतना सारा उनका वर्क कंस्ट्रक्शन चल रहा है बुलेट ट्रेन का, सारे सारे पिलर जो है रेडी हैं। इस वाले पिलर पे वर्क चालू हो गया, अभी इस वाले जो पिया वाला जो पिलर है इस पर वर्क चालू हो गया। चलेंगे थोड़ा और आगे, वहाँ से भी देखेंगे वहाँ पे वर्क किस प्रकार से चल रहा है, कि वर्क बहुत ज़्यादा हो चुका है पूरा। तो गाइस आप लोगों को आगे दिख रही होगी कि बहुत बड़ी मशीन खड़ी होगी, और उस वाले पिलर पर भी फाइनली कैप किया जा रहा है। आगे साइड में जो पिलर है उन पर कैप किया जा रहा है, कैप बनाया जा रहा है। इधर के पिलरों पर कैप बन चुका है, इधर लोखन वगैरह यहाँ पे सब रखे हुए हैं। ये रोपड़ा गाँव का अपडेट है, यहाँ से तमाम सारे वर्क हो चुके हैं, यहाँ पे पिलर वर्क चालू है, अभी पीछे से गटर लॉन्च होते आ रहे हैं। गाइस अगर यहाँ के वर्क के बारे में बात की जाए तो वर्क यहाँ पे कभी कभी बहुत कभी कभी मतलब रोज टू रोज बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि अगर आपको दिखाया जाए तो इस वाले पिलर पे उस तरह जो वर्क हो कंक्रीट हो रहा था, आज इस पिलर का पूरा कैप के साथ रेडी हो गया है पूरा पिलर। ये पिलर पूरा रेडी हो चुका है कैप के साथ, ये वाला भी पिलर आप यहाँ देख सकते हो। और थोड़ी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक भी है, यहाँ से बगल से गया हुआ है, और वहाँ पर वर्क की बात की बहुत है, बहुत फास्ट चल रहा है। क्योंकि भाई मैं कल परसों यहाँ पे आया था तो कोई वर्क नहीं था यहाँ पे, खाली ये वाला जो आपको यहाँ पे पिलर दिख रहा है, ये वाला जो पिलर दिख रहा है नीचे, इस पर कब वर्क हो रहा था बस, आज देखो आज वहाँ पे चला गया वर्क होने के लिए। देखो यहाँ से भी अपडेट, इस तरफ से भी आप लोगों को अपडेट बता चुका हूँ, यहाँ से उस थोड़ा आगे जाऊँगा तो वहाँ से भी आप लोगों को मैं अपडेट बता चुका हूँ कि वहाँ पर किस प्रकार का वर्क चल रहा था। वहाँ पर कोई वर्क आपको दिखा नहीं होगा, एन एच एस आर के जो थोड़े छोटे छोटे पिलर हैं वो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, कि यहाँ से पिलर इतने बीच में पिलर बनेगा, यहाँ से वर्क हो गया। आपको इस तरफ दिखाऊँ तो इस तरफ आपको गटर लॉन्चिंग मशीन और पिलर वर्क भी इस तरफ दिख रहा होगा। तो ये सब कुछ अपडेट इस प्रकार से हो रहे हैं, और जैसे जैसे वर्क होता रहेगा आप लोगों को मैं वर्क बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, बट यहाँ पर नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ से बताने में। बट इस पिलर को ही पार करना है, रेलवे ट्रैक पार करना है, आगे तमाम सारी घनी आबादी वाला एरिया है अहमदाबाद का एरिया, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को। बट वर्क तो होगा ही, वर्क बंद थोड़ी हो जाएगा गाइस। तो आज आप लोग हमारे साथ बुलेट ट्रेन पिलर कंप्लीटेड वर्क देख रहे थे रोकड़ा गाँव से, कि कितना सारा वर्क इस साइड हो जाए। तो आपने वर्क तो देखा होगा किस प्रकार से वर्क चालू है, कितने फास्ट गति से चालू है। पिलर वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मतलब बात किया तो बोझा मेरे पीछे आपको कोई वर्क नहीं दे रहा, क्योंकि ये अभी पटवा गांव के साइड का एरिया है, तो इधर आपको कोई वर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर अभी वर्क चालू ही नहीं हुआ। अभी वर्क चालू है सिर्फ ब्रिज के उस पर, ब्रिज के इस पर कोई वर्क नहीं है। आपको दिखा दो थोड़ा सा, अभी इस वीडियो की बात भी दिखा दूँगा, बता दूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे क्यों नहीं वर्क चालू हो रहा है।
क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, इधर रेलवे ट्रैक भी पार करना है, आगे बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया है, तो वहाँ पर भी अब पिलर बनाना इतना आसान है जितना आप लोग को हम लोग को लग रहा है, इतना आसान है नहीं जितना आसान लग रहा है, क्योंकि 4-5 महीने में आप लोग को दिखा रहा हूँ कितना वर्क हुआ 6 महीने के अंदर।